मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती खुद बंगाली हैं और वो बंगाल की सियासत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में आना ममता को भारी पड़ सकता है। क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती नक्सली थे? पुराना किस्सा यही है कि मिथुन नक्सली बनने ही वाले थे कि अपने भाई की करंट लगने से मौत होने के बाद वो अपने परिवार के पास वापस आ गए। जब मिथुन नक्सली के गिरोह में थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात नक्सली नेता रवि राजन से हुई थी। घर वापसी के बाद उन्हें साल 1976 में बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। उन्हें सबसे पहला मौका बंगाली निर्देशक मृणाल सेन ने अपनी फिल्म मृग्या में दिया था। इस फिल्म में मिथुन के जोरदार अभिनय के बाद से वो काफी मशहूर हुए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मिथुन अमिताभ बच्चन सहित कई फिल्मी हस्तियों के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। जब ममता बनर्जी ने साल 2014 में बंगाल की कमान संभाली तो ममता ने मिथुन चक्रवर्ती को राजनीति में आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वो मिथुन टीएमसी में शामिल हुए और राज्यसभा सांसद बने। लेकिन शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद उन्होंने पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उस दौरान मिथुन दा ने राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान किया था। अब मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर राजनीति में कदम रख दिया है। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। वही चर्चा ये भी है कि क्या बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कोई नक्सली बनेगा।